गुड मॉर्निंग दोस्तों, आइए तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं मैकेनिक फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आरआरबी जे में के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो आज हम आप लोग लाए 30 क्वेश्चन का सेट। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को पूरा देखें, और जिससे कि आप लोग को अंदाज लग सके कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है थ्योरी में, क्योंकि आरआरबी जे आपको पता है कि थ्योरिटिकल एग्जाम है, टाइम कम है, तो ज़्यादा क्या करेगा और थ्योरी वाला क्वेश्चन पूछेगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कम देगा। तो आइए एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले हम आपको बता दें कि क्वेश्चन डिस्कस करने के पहले जो थ्योरी होता है उसका चारों ऑप्शन हम लोग डिस्कस करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाए। तो आइए इस क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है। देखिए क्या लिख रहा है, नीचे दी गई आकृति को संतुलित के भार डब्लू के कुछ बेलनाकार भार लगे हैं, तो प्रत्येक रोलर का संतुलन बल कितना होगा। तो जैसे आपको पूछ रहा है कि जो वेट लगा है क्या होगा, मतलब जैसे ये द फिगर ऑफ द गिवन बिलो द शो क्रश हैविंग सेवरल सिलेंडर रोलर ऑफ द वेट डब्लू द क्रशिंग फोर्स ड्यू टू इच रोलर, तो क्या होगा। आपको पता है कि जो इसका वेट है इससे आपका अधिक होगा, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि क्रशिंग जो वेट है उससे अधिक होगा, ठीक है ना। अब उसके बाद आइए देखते हैं उसके बाद वाला क्वेश्चन आइए डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं ये हम आप लोग के लिए क्वेश्चन क्या किए हैं। देखिए क्या हुआ है कि ये उत्तराखंड जेई में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप लोग को इसमें जनरली क्या करना है, पूछ रहा है कि इसके मध्य मतलब बीच की दूरी कितनी होगी। तो आपको क्या करना है कि पहले ये जो ऊपर से फोर्स लग रहा है F1 और F3 और नीचे से डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है F2, तो इसको इक्वल करके एक रिजल्टेंट निकाल के F2 जैसे इक्वल टू हो जाएगा 250 प्लस 1250। तो इसको इक्वल करके उसके बाद से आप लोग क्या करेगा, मोमेंट ले लीजिएगा किसी भी पॉइंट पे, पॉइंट ए पे या पॉइंट बी पे, तो आप लोग को बी और सी के बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा। तो इससे आप लोग को आसानी से पता चल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिएगा और हमको आंसर देके बताइएगा, ठीक है। इसका आंसर आपको बता देते हैं कि यहाँ पे आंसर इसका 2.5 होगा, ठीक है ना, 2.5 होगा, ठीक है, इसका आंसर होगा 2.5। तो आइए उसके बाद से नीचे वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो इसके बाद है आपका, जैसे बोल रहा है कि एक 16 न्यूटन बल द्वारा 64 न्यूटन मीटर आघूर्ण उत्पन्न होता है, तो आघूर्ण का आर्म कितना होगा। तो आप लोग को पता है कि आघूर्ण क्या होता है, फोर्स इंटू मतलब उसका जो डिस्टेंस रहता है उसका FR होता है। तो फिर आपको पता है कि बल आघूर्ण दिया है 64 और फोर्स दिया है 16, तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, कितना, 4। ये जनरली क्वेश्चन है, बल आघूर्ण इक्वल टू F इंटू R होता है, ठीक है, ऐसे आप लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आइए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके बाद से देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जैसे पूछ रहा है कि ये जैसे किसी बर्गनार प्रमेय का आघूर्णों का प्रमेय कहता है, यदि किसी कण पर कार्य कर रहे हो समतलीय बल साम्यावस्था में हो, तो पूछ रहा है आपसे जनरली क्या पूछ रहा है, बर्गनार थ्योरम का वो डिफिनेशन पूछ रहा है। तो क्या होता है, उसका बीजगणित योग शून्य होता है, ठीक है, ऐसा तो नहीं होता है। उनकी क्रियाओं रेखा समान दूरिया पर होती है, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। उनके तल में किसी बिंदु के पड़ता उनके बल उनके आघूर्णों का बीजीय योग शून्य होता है, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो फिर चौथा देखते हैं, ये तो देखिए किसी बिंदु के परितः उसके आघूर्णों के बीज गणितीय योग उस बिंदु के परितः उनके परिणामी बल के आघूर्ण के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन जैसे आप लोग को बर्गनार थ्योरम पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो इसका डिफिनेशन याद कर लिया। देखिए ये बिजार्ड स्टील में पूछा हुआ है 2017 में, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा आंसर डी, ठीक है। अब उसके बाद से आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। तो इसके बाद से है, अभी आपसे पूछे हैं कि बर्गनार थ्योरम किसको रिलेटेड करता है, तो पूछ रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ मतलब मोमेंट को, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम को, प्रिंसिपल ऑफ फोर्स को और प्रिंसिपल ऑफ इनर्सिया को। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रिंसिपल ऑफ इनर्सिया मतलब जड़त्व का नियम किसने दिया था, तो जड़त्व का नियम न्यूटन ने दिया था। उसके बाद से क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल ऑफ फोर्स, तो आपको पता है कि वो फोर्स का डिफिनेशन भी फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन से आता है। कितने लोग बोलते हैं कि वो F=ma सेकेंड लॉ से, बट ऐसा नहीं है, जो फोर्स का सिद्धांत है वो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन होता है, ठीक है।
प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम, संवेग के सिद्धांत जो है संरचना का नियम, ये तो हुआ नहीं। उसके बाद से वेगनर थ्योरम क्या था, प्रिंसिपल ऑफ बल आघूर्ण, ठीक है, आघूर्ण का सिद्धांत दिए थे किसने, वेगनर ने, ठीक है। उसके बाद से आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस करते हैं। बोल रहा है कि ये जैसे आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, तो अभी आपको बताया है, पीछे क्वेश्चन भी किए हैं, बल आघूर्ण का डिप किसने दिया है, वेगनर ने दिया था, वो उसका थ्योरी, तो उसके बाद से आपको इसका न्यू मतलब ये यूनिट बताना है क्या होता है। तो जैसे आपको पता है, थोड़ा आप लोग सोचिए इस आंसर को, फिर अपना जवाब कमेंट में लिख सकते हैं। उसके बाद से इसका लिख सकते हैं कितना, बल आघूर्ण का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर। उसके बाद से आइए आगे क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। अब देखिए, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा हुआ है किसमें, डीएमआरसी में 2017 में पूछा हुआ। तो हम आप लोग के लिए सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब छाट के ला रहे हैं कि जिससे मतलब देखें और मतलब अनुमान लग सके कि कैसा क्वेश्चन वो रेलवे पूछता है। तो जस्ट लाइक ऐसे ही क्वेश्चन है, क्योंकि टाइम कम है और ज़्यादा कराना, तो आप मेरे से रिक्वेस्ट है कि आप मेरा वीडियो पूरा देखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें, जिससे कि दूसरे भी दोस्त को फ़ायदा हो सके, वो लोग भी जान सके और इसी अनुसार से आपको पढ़ाई करना है कैसे आपको क्वेश्चन पूछता है रेलवे। तो पूछता है, जब ताले में चाबी घुमाने की कोशिश करते हैं तो निम्न में से क्या लागू होता है। तो आप लोग को पता है कि जब हम ताला खोलते हैं तो वो इक्वल एंड इक्वल मतलब अपोजिट फोर्स जनरेट होता है, तो उसमें लीवर तो होता है, बट वो पूछ रहा है ना क्या लागू होता है, तो इसमें मोमेंट तो होगा नहीं, कोप्लेनर होगा नहीं, तो बस इसका एक ही आंसर है, कौन सा, बल लागू है, इसका होगा कपल जनरेट होता है, क्योंकि हम लोग जब इक्वल फोर्स लगाते हैं तो उसके अपोजिट जब घूमता है तभी तो वो ताला ओपन होता है, ठीक है। उसके बाद से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद से देखिए पूछ रहा है कि समांगी और समतलीय बलों के परिस्थितियों का साम्यावस्था क्या होता है। तो आप लोग को हम बहुत पहले डिस्कस, कल भी डिस्कस किए थे, जो 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, कुल मिला के उनका 50 क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप लोग को पता है समांगी बल जब एक ही प्लेन में लगते हैं तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सारा फोर्स जीरो कर दें और वर्टिकल डायरेक्शन में सारा फोर्स जीरो कर दें, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं वह बल, यह है वह बल जो एक बिंदु पर मिलते हैं और कार्य करने की दिशा दूसरे प्लेन में हो तो उसे कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक बिंदु पे तो मिलते हैं लेकिन उसका प्लेन जो है सेम नहीं होता है, तो उसको कहेंगे कोप्लेनर नॉन कॉन्फ्लुएंट। तो आप तो पता है कि एक प्लेन में नहीं है तो नॉन मतलब वो नॉन कोप्लेनर होगा, ठीक है, नॉन कोप्लेनर होगा और कॉन्फ्लुएंट होगा। तो आइए इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, नॉन कोप्लेनर और कॉन्फ्लुएंट फोर्स, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो आप लोग क्या है ऑप्शन पढ़ के कन्फ्यूज हो गए, तो इससे पहले आप देख लीजिए कि जो एक ही बिंदु पे फोर्स लगता है वो कॉन्फ्लुएंट होता है और उसका दूसरे प्लेन में बोला तो नॉन कोप्लेनर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। अब उसके बाद से आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। पूछ रहा है ये देखिए, ये पूछा है बिहार जेई में, पूछा है एसएससी जेई में, ये लगातार दो क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो पूछ रहा है तीन समांगी समतलीय बलों वाले पिंडों के संतुलन में कौन सा प्रमेय प्रयुक्त होता है। जैसे आप पूछ रहे, ये पूछने का मतलब है कि कोई समतल में तीन डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो वो किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो समांगी फोर्स आपको पता है कि प्लेन में लगता है, तो आप लोग को पता है पाइथागोरस थ्योरम तो है नहीं, पाइथागोरस थ्योरम ने वो नियम दिया था क्या, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर और बेस को लेके बोला था कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। ये हैमिल्टन प्रमेय तो होता नहीं है, लामी थ्योरम है इसका आंसर। और वेगनर थ्योरम तो आपको पता है कि पीछे डिस्कस किए हैं हम लोग, इस पर बल आघूर्ण को लेके दिए हैं, इनका तो तीन फोर्स का कोई बात ही नहीं होता है, तो ये हम लोग क्या करते हैं लामी थ्योरम। तो लामी थ्योरम का पता है कि तीन फोर्स किसी प्लेन में लगते हों और उसमें से किसी तीन एंगल होते हैं, तो उसमें कोई दो फोर्स पता हो, दो एंगल पता हो, या दो एंगल पता हो, तीसरा एंगल निकालना हो, फोर्स पता हो, तो ऐसे हम लोग जैसे आप लोग को पता है कि ऐसे करके कुछ लामी थ्योरम होता है ना, यहाँ पे होता है F1 और ऐसे करके F2 और यहाँ पे कुछ एंगल होता है, तो इसको क्या कहते हैं लामी थ्योरम। तो जैसे आप लोग को पता है तो इसका आंसर हो जाएगा ये सी,
ठीक है, अब उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं कि ये समतलीय असमतलीय समांगी बलों के सिस्टम के साथ प्रयुक्त कण के लिए कौन सा समव्यवस्था स्थिति पूरी करती है। तो देखिए, असमतलीय है और समांगी है। जब असमतलीय है तो आपको पता है कि जब असमतलीय होगा तो उसका जो फोर्स होगा एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन में निकालना होगा, ठीक है ना। तो इसका आपको देख के तुरंत आपको आंसर पता चल जाना चाहिए कि हम लोग से ये एफ डायरेक्शन में फोर्स को जीरो करें सारे फोर्स को, वाई डायरेक्शन में फोर्स को जीरो करें, तो ये आपका आंसर होगा डी, ठीक है। उसके बाद से बात करते हैं ये क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, सब क्या आएगा, फ्रिक्शन का क्वेश्चन। आज मैं एक एक करके चैप्टर, मतलब चैप्टर वाइज के क्वेश्चन करके जितना भी है उसको लेके, मतलब थ्योरी वाला डिस्कस कर लेते हैं, और ऊपर का जो क्वेश्चन है उसको लगाने की कोशिश करिएगा आप लोग। तो आइए फ्रिक्शन का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलना प्रारंभ करती है तो उत्तरदायित्व अधिकतम घर्षण बल जाना जाता है। तो किसको जानते हैं, जब एक वस्तु के ऊपर आप कहता है कि फ्रिक्शन स्टार्ट करते हैं, तो देखिए इसमें क्या लिखा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉन ऑफ दी अबव। तो हम थोड़ा फ्रिक्शन को पहले डिस्कस कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बॉडी स्लाइड करती है तो जब वो मूविंग कंडीशन में स्टार्ट होती है ना, तो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगता है, और जब मूव करना स्टार्ट हो जाता है, मतलब रोलिंग करना स्टार्ट हो जाता है, घूमना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और बराबर सरफेस कॉन्टेक्ट में क्या हो, वो मतलब सरफेस कॉन्टेक्ट से मूव करे, तो उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो आपको हमेशा पता रहना चाहिए कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है, ठीक है। और एक चीज़ है कि जैसे मान लीजिए कि फ्रिक्शन किस पे निर्भर करता है, यह बॉडी के स्ट्रक्चर पे निर्भर नहीं करता है, यह ओनली नेचर ऑफ द सरफेस, मतलब सरफेस का नेचर कैसा है उस पे निर्भर करता है। कि कभी कभी ये देखिए, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आया कि मतलब ये फ्रिक्शन जो है कैसे चल, मतलब किस पे डिपेंड करता है, तो आएगा बॉडी स्ट्रक्चर, सरफेस पे, नेचर ऑफ सरफेस पे, ठीक है, कॉन्टेक्ट ऑफ एरिया सरफेस। तो इससे कुछ नहीं है, बस एक ही मैटर है कि वो सरफेस का नेचर कैसा है उसी पे डिपेंड करेगा। तो आप लोग का इसमें आंसर हो जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद से आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घर्षण गुणांक निर्भर करता है, आ गया ना क्वेश्चन, घर्षण गुणांक किस पर निर्भर करेगा। तो देखिए, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ओनली, नेचर ऑफ सरफेस ओनली, और बोथ ए एंड बी। तो लोग सोचेंगे यार एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट जितना होगा फ्रिक्शन उतना, बट ऐसा कुछ नहीं है, वो सरफेस का नेचर कैसा उस पर टोटलिंग क्या करेगा, घर्षण गुणांक निर्भर करेगा। तो आप लोग को पता है घर्षण गुणांक को किससे इंडिकेट करते हैं, म्यू द्वारा इंडिकेट करते हैं, म्यू इक्वल टू टेन थीटा होता है और म्यू इक्वल टू एफ बाई आर होता है। अब उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 77 क्वेश्चन देखिए। समतल का वह अवनमन कोण जिस पर पिंड समतल नीचे की ओर गति आरंभ कर देता है तो डैश कहलाता है, क्या होता है आप लोग का, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको जैसे पता है कि ये जैसे पूछ रहा है, ये एंगल थीटा पूछ रहा है, थीटा पूछ रहा है, और यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है यहाँ पे, तो ये एंगल पूछा है, तो इसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज इसका आंसर होगा ये। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं इसका क्या बोल रहा है, जब एक पिंड स्पर्श आरंभ करने वाला होता है तो उस समय अधिकतम घर्षण बल क्या कहलाता है। तो हमने आपको बताया कि जब कोई बॉडी फ्रिक्शन करना जस्ट स्टार्ट ही करती है तो उस समय का जो अधिकतर घर्षण बल होता है वो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, सीमांत घर्षण बल, इसको भूलिएगा नहीं, एक क्वेश्चन पक्का आना है RRB JE में। तो ये क्वेश्चन ये फ्रिक्शन से या म्यूजिकल टू या FIR, म्यूजिकल टू टेन थीटा और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, ये इसमें से तो एक क्वेश्चन पक्का आना, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, एक भारी सिलेंडर किसी सतह पर रोल करने के लिए आसान होती है क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन इज मच देन काइनेटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक घर्षण का ये कुछ नहीं होता है। देखिए, इसका आंसर होगा जनरली ए होगा, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन जो है यह लेस होता है किससे, नहीं नहीं वन सेकेंड, रोलिंग फ्रिक्शन इज मच लेस द काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वह कम होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से। जैसे क्या आपको पता चल रहा है कि मतलब कॉन्टेक्ट ऑफ जैसे सरफेस है उसका
वो मतलब कम होगा तो आपको जनरली सिंपल सी बात है कि फ्रिक्शन कम जनरेट होगा, लेकिन ऐसा थिंकिंग नहीं सोचना है कि वो कॉन्टेक्ट हो तो सरफेस पे, कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस पे डिपेंड, एरिया पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है। फ्रिक्शन कम होगा लेकिन फिर भी वो तो कैसा सरफेस है, वो प्लेन है, उसी पे तो निर्भर करेगा, नेचर ऑफ द प्लेन पे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, बी। ठीक है, अब उसके बाद चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसमें क्या कह रहा है, विराम की अवस्था में किसी पिंड पर लगा हुआ घर्षण बल कहलाता है। तो आपको पता है कि जब कोई विराम अवस्था में रहता है तो उसमें कौन सा, जब कोई, तो उसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, स्थिर घर्षण कहते हैं। जब कोई मूव करता है तो गतिज फ्रिक्शन होता है, डायनेमिक फ्रिक्शन होता है, और जब स्लाइडिंग करना स्टार्ट करता है तो उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब उसके बाद चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसका, बेलन घर्षण किसी पिंड द्वारा अनुभव किए जाने वाला घर्षण। जब बेलन घर्षण किसी पिंड द्वारा अनुभव किए जाने वाला, तो क्या होगा, जब वो गतिमान होगा तभी तो होगा। इन रेस्ट, इन मोशन, जस्ट बीनिंग द स्लाइड, और बीनिंग स्लाइड ओवर द सरफेस ऑन द अदर बॉडी, मतलब ऐसा क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है ना, जब रोलिंग का कब फील करेगा, जब वो मूव करना स्टार्ट करेगा तभी तो। इसके बाद सही नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बात करते हैं स्टैटिक डायनेमिक फ्रिक्शन इज कंपेयर टू स्टैटिक। जैसे आपको बताया है कि स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है डायनेमिक फ्रिक्शन से, तो आप लोग को पूछ रहा है गति घर्षण स्टैटिक घर्षण की तुलना में क्या होता है, तो कम होता है, लेस होता है। तो देखिए इसमें कभी कभी क्या होता है, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि लेस होगा, जैसे गतिज कौन सा पूछ रहा है कि गतिज घर्षण स्थैतिक घर्षण की तुलना में, तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, स्थैतिक घर्षण की तुलना में क्या होगा, कम होगा ना, तो ये आंसर हो जाएगा आपका ए। अब उसके बाद चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो बोल रहा है कि पिंड पर लगाया गया बाह बल यदि सीमांत घर्षण बल से कम हो तो क्या होगा। तो भाई जनरली सी बात है कि जब सीमांत घर्षण बल से कम होगा तो वह बॉडी मोशन ही नहीं करेगी, वह स्टील रिमेन की कांस्टेंट रहेगा, एट ए रेस्ट रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, बी। अब उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए दो सतहों के बीच घर्षण गुणांक को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि उसका अनुपातिक स्थिरांक है लगाए गए टेंजेंशियल बल तथा अभिलंब प्रक्रिया बल होता है। तो भाई आपको पता है कि उस समय लटके हुए, जैसे आपको ये हम बताए हैं ना, ये वाला जैसे इसका वेट होगा कुछ, इसका रिएक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, इसका तो ये सब पूछ रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, उस समय लटकते हुए गति करता हो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए सीमांत घर्षण बल परिभाषित करता है वह घर्षण बल की अवस्था में जिसमें पिंड क्या करता है, सर्वाधिक वेग में घूमता है, स्थिर होता है, सतह पर सरकना शुरू करने वाला हो। तो आप लोग को पता है कि इसका आंसर सी हो जाएगा। सीमांत घर्षण बल क्या होता है, जब कोई बॉडी स्लाइड करना जस्ट स्टार्टिंग करता है तो उसको सीमांत घर्षण बल कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आइए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 102 सर्पी घर्षण का मान बेलन घर्षण की तुलना में क्या होता है। इनकम्प्लीट तो रोलिंग फ्रिक्शन द वैल्यू ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो आपको पता है कि रोलिंग फ्रिक्शन कम होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे तो ज़्यादा होगा ना, यहाँ पे ए होगा। जैसे एक क्वेश्चन पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो इस सबको ध्यान रखिए कौन सा मतलब किसको लेके कंपेयर कर रहा है, नहीं तो मोर और लेस में सब आते हुए क्वेश्चन गलती हो जाएंगे। देखिए सीमांत घर्षण बल और समान प्रक्रिया के अनुपात को क्या कहते हैं, तो भाई तो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन ही तो कहते हैं, रेशियो ऑफ लिमिटिंग फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो इसको क्या हो कहते हैं, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन आप बता ही दिए, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस क्या होता है, तो ये सब थोड़ा थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछना है। तो जैसे कि एसएससी जेई 2014 में पूछा मॉर्निंग सीट में, यूपीएससी ट्रिपल एससी में पूछा हुआ है ये, तो इसका क्या होगा, स्थिर, इसका गति की दिशा में विपरीत, गति की दिशा में विपरीत होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी।
अब उसके बाद से ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। एक वजन W का पिंड रुद्र आनंद तल पर रखा है, तल का क्षैतिज के अनति घर्षण कोण से कम होगा क्या? तो इसका आंसर होगा क्या, साम्यवस्था में होगा ना, जैसे इसका हम लोग जान सकते हैं साम्यवस्था में होगा। ठीक है, अब इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक सीढ़ी रुद्र दीवार पर चिकना फर्श पर टिका है तो घर्षण बल लगेगा किस पर लगेगा? तो सीढ़ी के ऊपरी सिरे पर दीवार के लंबवत, सीढ़ी के निचले सिरे पर दीवार के लंबवत, ऊपरी सिरे पर दीवार की ऊपरी दिशा में, ऊपरी सिरे के दीवार के निचली दिशा में। तो आपको पता है कि हमेशा जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है हमेशा वो उसके परपेंडिकुलर रहता है। ठीक है, तो ए होगा इसका आंसर। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। घर्षण कोण के स्पर्श जया का मान निम्नलिखित होता है, तो आपको पता है कि स्पर्श जया का मान कितना होता है, लिमिटिंग होता है, तो फिर इसको कौन सा कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन ही तो कहते हैं, जो उसका एंगल टेन म्यूचुअल टू टेन थीटा तो मैंने बताया है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी होगा। ठीक है, घर्षण बल का मान क्या होता है, घर्षण बल का मान बाह बल से अधिक होता है, बाह बल के बराबर होता है, बाह बल से कम होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पता है कि घर्षण बल का मान कब होता है, बाह बल के बराबर होता है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और देखिए लास्ट क्वेश्चन, अब देखिए एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोग को देख के पता चलेगा यार इसमें करना क्या है, लेकिन देखिए इसमें क्या बोल रहा है। एक ढांचे ए बॉडी ऑफ द रेस्टिंग ऑन द प्लेन इंक्लाइंड एट एंगल 30 टू हॉरिजॉन्टल, व्हाट फोर्स वुड बी रिक्वायर्ड टू बी स्लाइड इन डाउन, इट इज इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बॉडी एंड प्लेन। तो म्यू का वैल्यू दे रहा है और थीटा का वैल्यू दे रहा है, तो देखिए इसमें क्या करना है, इसमें ये बोल रहा है थीटा का वैल्यू दिया है 30 डिग्री, और इसमें जैसे ये बोल रहा है ऐसे स्लाइडिंग कर रहा है, और इसका रिजल्टेंट इसका वेट और इसका फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, इधर स्लाइड करेगा तो पूछे कि यह मतलब बॉडी स्लाइड करेगा कि नहीं करेगा, तो आप लोग को ऐसा कॉन्स्टेंट मतलब इसको सॉल्व करेंगे वेट मान के, जब वेट डब्लू मानेंगे इसको तो फिर अपोजिट रिएक्शन जो होगा तो इसका डब्लू कॉस थीटा इक्वल टू रिएक्शन हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू आर आर जो होगा डब्लू कॉस थीटा के बराबर होता है, इसका करेंगे तो हमेशा जीरो आएगा, ऐसा 2-3 क्वेश्चन पूछा था। देखिए एमपी सब इंजीनियर अप्रैल 2016 में पूछा हुआ है, में तो जैसे कि आपको पता होगा कि आज का 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कोई आंसर सही या गलत हुआ तो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।